नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू और भाजपा के बिगड़ते हुए रिश्तों को देखते हुए कहीं ना कहीं अब जो रणनीतियां बनाई हैं वो रणनीति एक बार फिर से सरकार बचाने में कामयाब हो जाएगी। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में एक बार फिर से बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, इसलिए कि आज भी बड़े बयानबाजियों का दौर चला है। एक तरफ है बीमा भारती जो जदयू की विधायिका है, उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार के ऊपर जो उंगली उठाएगा उसकी उंगली काट दी जाएगी, और जिसके बाद बिहार सरकार के मंत्री और बिहार के जदयू के तरफ से जो नेता हैं उन्होंने बयान दिया। लेकिन सबसे बड़ा बयान नवल किशोर यादव ने दे दिया। नवल किशोर यादव ने कहा कि उंगली क्यों, हाथ और सर ही काट दिया जाना चाहिए। और साथ ही बीमा भारती ने जो संकट उत्पन्न हुई है रामसूरत राय को लेकर उस पर भी बड़ा बयान दिया है। अब रामसूरत के बयान को लेकर जब चर्चा तेज हो गई है तो ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि लगातार संगठन के तौर पे नीतीश कुमार जदयू को मजबूत कर रहे हैं तो गठबंधन कमजोर हो जा रहा है और गठबंधन पर ध्यान दे रहे हैं तो सरकार सही रूप से चलाने में सहूलियत नहीं हो रही है। अब ऐसे में एक तरफ रामसूरत वाला राय वाला मामला लगातार प्रकाश में है, वही दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बिहार आगमन सब कुछ तय कर रहा है। ऐसे में रामसूरत की छुट्टी को लेकर नीतीश ने तय कर लिया है कि वो अंतिम फैसला इस पर कब लेने जा रहे हैं। सीएम नीतीश 29 तारीख को अपने कैबिनेट की बैठक बुला रहे हैं और इस बैठक में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। कैबिनेट की बैठक अमूमन हर महीने होती है, लेकिन रामसूरत पर फैसला इस बार होगा, इसलिए कि नीतीश कुमार ने जब रद्द किया है तो इस्तीफे तक की बात चली आई है। ऐसे में इस्तीफा होता है नहीं होता है इस बात पर गौर करना होगा, लेकिन रामसूरत राय वाले मामले को लेकर नीतीश कुमार जरूर संज्ञान लेंगे, इसलिए कि नीतीश ने ही इस लेटर को रोका है। और जैसे ही ये लेटर रोक लगाई गई है रामसूरत राय एग्रेसिव हो गए और वो सरकार से इस्तीफा देने की बात कहने लगे। ऐसे में सीएम सचिवालय में यह बैठक 19 तारीख को बुलाई गई है, कैबिनेट की यह बैठक है और कैबिनेट की बैठक में ही सारे नेताओं की मौजूदगी में रामसूरत राय पर नीतीश फैसला करेंगे और आने वाले दिनों में जो नए मंत्रालय का विस्तार होना है उस पर भी चर्चा हो सकती है। ऐसे में सीएम नीतीश की यह बैठक काफी अहम बताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो यह बैठक के काफी महत्व है और जदयू के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भी यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। नीतीश ने पिछले बार जब कैबिनेट की बैठक नहीं बुलाई थी तो चर्चा तेज हो गई थी कि नीतीश कुमार अमूमन कैबिनेट का बैठक बुलाते हैं नहीं बुला रहे हैं, मतलब जरूर कोई बात है। राजनीतिक पंडित ये कयास लगाए जाने लगे कि हाल ही में तेजस्वी से मुलाकात हुई है तो हो सकता है कुछ नई खिचड़ी पक रही हो, लेकिन नीतीश ने एक ही महीने में फिर दो बार कैबिनेट की बैठक बुला दी और एक बार फिर से कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और इसमें रामसूरत राय सहित तमाम मसलों पर फैसला किया जा सकता है। देख रहे होगा 29 तारीख की इस बैठक में फैसला क्या निकलता है और किस तरीके से सीएम नीतीश के इस बैठक से बिहार की जनता को क्या सौगात मिलती है। वही केंद्रीय मंत्रालय में फिर से एक बार ललन सिंह की जो चर्चा है और बिहार में भी मंत्रालय की जो चर्चा है उस पर भी फैसला हो सकता है, हालांकि इसकी संभावना कम बताई जा रही है, लेकिन जल्द ही सीएम नीतीश इस पर फैसला लेने जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।